सुप्रभातम छात्र, आज हम लोग धातु रूप पढ़ने वाले हैं। धातु रूप के लकार को जानेंगे। कौन से लकार? लट लकार। धातु रूप के कितने लकार होते हैं? टोटल पांच लकार होते हैं। तो पांचों लकार में से सबसे पहला क्या आता है? लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल। दूसरा आता है लोट लकार, जिसका अर्थ होता है आज्ञाकाल। तीसरा है लंग लकार यानी भूतकाल। और पांचवा है विधिलिंग चौथा है विधिलिंग लकार, जैसे चाहिए अर्थ में ऋट लकार, भविष्यतकाल। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? लट लकार। आगे क्लास जैसे बढ़ते जाइएगा आप लोगों, वैसे ही आप लोग सभी लकारों के बारे में मालूम होता चला जाएगा। लेकिन सिक्स क्लास में सबसे पहले हम लोग लट लकार और लिट लकार को पढ़ेंगे। बाकी ये तीनों लकार हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। लट लकार के प्रत्यय हैं एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। तो क्या है? प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति, मध्यम पुरुष में सी, थ, थ और उत्तम पुरुष में आमी, आवा, आमा। अब इसमें हम भव धातु को लगा देते हैं। किसी भी धातु को लगा सकते हैं। कोई भी धातु लगने के बाद हम सेंटेंस बनाना शुरू कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे भव धातु। भव का अर्थ होता है होना। भव धातु के कारण हम सभी प्रत्ययों में भव धातु लगाएंगे, तब देखेंगे शब्द क्या हमारा बनता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। भवति, भवतः, बहुवचन में हो जाएगा भवन्ति। अ हट जाएगा, अ की जगह व कंप्लीट हो जाएगा। मध्यम पुरुष एकवचन में हो जाएगा भवसि। मध्यम पुरुष द्विवचन में हो जाएगा भवतः। और मध्यम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा भवतः। उत्तम पुरुष एकवचन में भवामि, आ के जगह व में आकार लग जाएगा। उत्तम पुरुष द्विवचन में हो जाएगा भवावः। उत्तम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा भवामः। अब ये प्रत्यय धातु के साथ लगाने पे हम कर्ता के साथ लगा करके सेंटेंस बना सकते हैं।